नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर सभी को सबसे पहले तो। और अब आपको मैंने बताया था बच्चों, सभी को खुश रहें, अपने घर पर रहें, मास्क पहन कर रखें, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। और आपको बच्चों, अब मैंने ये बता रखा था आपको जो है पूरे का पूरा कंप्लीट कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पर आपका गणित विज्ञान का कंप्लीट करा रखा है। आप उसमें से कोई डाउट है तो जाकर के देख सकते हो, लिंक दे रखी है आपकी। परंतु बच्चों, अब आपकी आज से ये समझ लो, आज से आपकी नए प्रश्नों की सीरीज जो अति इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनको एक बार रिवीजन के तौर पर आपको केवल अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहें, जुड़े रहें वीडियो पर, नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और अब आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस करा दे रहा हूं मैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ये डाल लीजिए, आप अपने नोट बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो तो। ऐसे ही मैं आपको साइंस का भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में कराऊंगा। तो मैथ में आप लास्ट की चैप्टर से शुरू हो जाते हैं अपन, 15वीं प्रश्नावली है अपनी एक्सरसाइज 15वीं, जो प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता, उसके क्वेश्चन आपको मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हल करा दे रहा हूँ। समझ गए बच्चों? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हल कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखें। पहली बात तो प्रायिकता क्या होती है ये टॉपिक समझ लीजिए। प्रायिकता का एक ही सूत्र होता है बच्चों, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ये आपका प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। अगर आपको किसी घटना की प्रायिकता निकालनी, प्रायिकता का मतलब होता है चांस, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, चांस होता है एक प्रकार से। अब बच्चों आप देखोगे कि प्रायिकता है, चांस है, वो इसका सूत्र तो ये होता है। इसके अलावा किसी भी घटना की प्रायिकता है वो जीरो से बड़ी या उसके बराबर या एक से छोटी या उसके बराबर हो सकती, बस यही प्रायिकता का रेंज है, परिसर है। एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि प्रायिकता का परिसर लिखिए। तो प्रायिकता का परिसर क्या होता है, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी इज लेस देन इक्वल टू वन। अगर ऐसे नहीं समझते हो तो हिंदी में भी आप लिख सकते हो, किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो या उससे अधिक वह एक या उसके बराबर हो सकती है, बस ये ध्यान रखना, हो सकती है। मतलब किसी घटना की प्रायिकता है वो जीरो से छोटी नहीं हो सकती। अब जीरो से छोटी का मतलब नेगेटिव में, अगर आपको ऑप्शन मिल जाए नेगेटिव में प्रायिकता बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं आपको कहूं अगर किसी घटना की प्रायिकता 2.5 है, बिल्कुल नहीं साहब, किसी घटना की प्रायिकता 2.5 हो ही नहीं सकती। किसी घटना की प्रायिकता 1.5 है, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता 0.5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 7/5 नहीं हो सकती, ध्यान रखना, 7/5 नहीं हो सकती, 5/7 हो सकती है। एक बात और ध्यान रखना, प्रायिकता है उसमें जो अंश होता है बच्चों, क्या अंश होता है वो हमेशा छोटा होगा, अंश हमेशा छोटा होगा, और जो हर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ध्यान रखने की बात है, अंश हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, हर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो एक से छोटा होगा वो। अब देखो 7/5 है, मान लो किसी घटना की प्रायिकता 7/5 है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। देखो 7 में 5 का भाग देखो तो 5 एकम 5 और बच गया 2 0 उतार ले 20 हो गया, 5 चौका 20 1.4 तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि एक से ज्यादा है। मैंने बताया था किसी घटना की प्रायिकता या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 1.4 एक से बड़ा, इसलिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब मैं आपको इससे जो डाटा आपको दिया इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से आ सकते हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो बने रहें वीडियो पर और देखते रहें बच्चों, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है वो शुरू करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कैसे बन सकता है क्वेश्चंस? देखो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई आपको किसी थैला दे देगा और अगर किसी थैले में 5 सफेद गंजे, ठीक है, तथा 7 है या 8 हरे गंजे,
उनमें से एक कंचा निकाला जाता है, यादृच्छ रैंडमली एक कंचा निकाला जाता है तो सफेद होने की प्रायिकता क्या आती है? कंचा सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बच्चों देखो, सफेद कितने हैं? पांच है। हरे कितने कंचे? आठ है। कुल कंचे बताओ, कुल कंचे कितने हो गए? पांच प्लस आठ बराबर 13। 13 कंचे हो गए कुल। इसके बाद में कह रहा है कि सफेद आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो सफेद आने की प्रायिकता 5/13 आंसर आ गया। अगर मान लो विद्यार्थियों हरे आने की प्रायिकता पूछता तो इसका आंसर कितना हो जाता? हरे कंचे प्राप्त होने की प्रायिकता 8/13 आ जाता। अनुकूल परिणाम कितना हो जाता उसका? 8, क्योंकि हरे कंचे की संख्या कितनी है? 8 है, और कुल कंचे कितने हैं? 13 है, तो 8/13 हो जाता। और अगर आपसे पूछता है सफेद कंचे आने की प्रायिकता तो 5/13 आ जाएगा। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं संभवतः, या तो फिर ऐसे आएंगे या मैं बता रहा हूं उसके अलावा वीडियो से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। ध्यान रखना, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें वीडियो देख लो, मेरे जितने भी वीडियो हैं पीछे बन रहे हैं, अब मैं बनाऊंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू करूंगा, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगी, फुल गारंटी अपनी, फुल की फुल। ठीक है बच्चों? तो देखो अपना जो है दूसरा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी घटना की प्रायिकता दे करके। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, अब मैं सिर्फ टाइप कराऊंगा। पहला टाइप मैंने बताया कैसा बन सकता है, आपको सफेद कंचे हैं, लाल कंचे हैं, पीले कंचे ऐसे दे देगा और प्रायिकता पूछ ले किसी एक कंचे की निकलने की, तो आप आसानी से इजीली बता दोगे जो भी तरीका मैंने बताया है। ठीक है, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, सिर्फ टाइप पढ़ो आप, आपको टाइप पढ़ना है किसी घटना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, किसी घटना की प्रायिकता दे देगा। पहले देखो, पहले वाला जो आपका टाइप था उसमें प्रायिकता पूछा था कि भाई इतने कंचे हैं, इतने कंचे हैं, एक कंचा निकाला प्रायिकता ज्ञात करो। अब किसी घटना की प्रायिकता दे रहा है आपको, किसी घटना की प्रायिकता 0.05 है, कितना है? 0.05 है, तो घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो, घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो घटना की प्रायिकता आपको दे चुका है और घटना नहीं की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है, क्या करोगे? आपको तरीका क्या है बच्चों, सीधा बता देता हूं मैं। एक पॉइंट हमेशा 1.00 में से 0.05 घटा दो, आंसर आ गया 59.0, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? आपको अगर आंसर लाना है तो कैसे करोगे आप क्विक आंसर के लिए? जैसे किसी घटना की प्रायिकता है 0.65 है तो घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। अब डिजिट ही तो भाई, संख्या ही तो है, कितनी भी बदल जाओ तो तरीका वही रहेगा आपका। क्या करोगे? 1.00 - 0.65 घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 53.0, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? किसी घटना की प्रायिकता 0.65 है तो घटना नहीं की प्रायिकता याद करो तो कितना हो जाएगा? 0.35 हो जाएगा। समझ गए? अब मैं आपको बताऊं, एक वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत हार्ड एग्जाम था, उसमें प्रायिकता का क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन आया था कि आपका जो है दो पासियों के योग साथ उछाला जाता है तो उनके अंकों का योग है वो 7 या 2 होने की प्रायिकता याद करो। आपकी क्लास का सवाल है, देख लो, और वीडियो के एग्जाम में आया था, अंकों का योग 7 या 2, इसकी मैं बात करूंगा। इससे पहले ये आपको समझ आ गया, दूसरा टाइप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी घटना की प्रायिकता देता है तो नहीं की पूछता है तो एक में से घटा दो। हाँ जरूर नहीं डेसिमल में दे, आपको बटे सही में भी दे सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यदि किसी घटना की प्रायिकता, यदि किसी घटना की प्रायिकता 2/3 है तो घटना नहीं की प्रायिकता याद करो, घटना नहीं की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होगी याद करो। समझ गए? अब देखो सवाल तो वही है लेकिन इधर डेसिमल में था, इधर बटे में आ गया, तो क्या दिक्कत है आपको? मैंने बताया एक में से घटाना है, क्या करना है? एक में से घटाना है, तो 1 - 2/3, 3 लघुतम लीजिए, 3 × 3 - 2, 1/3, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कैसे करा?
भाई एक में से आप घटा दो, जो भी आपको प्रायिकता दे रखी उसको एक में से घटा दो, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे बटे में हो, ठीक है। अब दूसरा जो ये क्वेश्चन आया वीडियो के एग्जाम में, इसको देख लेते हैं। दो पासे अगर आ जाए कभी भी क्वेश्चन आएगा, ये मैं बता देता हूँ, 3 नंबर का आपके 10वीं क्लास में एग्जाम पेपर में आपको 18वां सवाल देखने को मिलेगा, ये निश्चित है। 3 पासे संबंधित 100% आएगा बच्चों। तो दो पासे संबंधित क्वेश्चन है, आप धामा समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो पासे आते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, पहली बात तो एक पासे के लिए 6 होता है, दो पासे के लिए 6 की पावर 2, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, ये 36 परिणाम होते हैं। कुल परिणाम कितने होते हैं, 36। कौन कौन से होते हैं उसको सुनो, हो सकता है पहला वाला एक आ जाए, दूसरा वाला भी एक आए, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6, ठीक है बच्चों। इसके बाद में 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ऐसे आ सकता है, 5 भी आ सकता है। एक बार इसको समझ लो, दो पासे संबंधित, या लिख देता हूं, दो पासे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो क्या होगा, सही होगा, और आएगा 100% आएगा, 100% लिख देता हूं आएगा एग्जाम में, दो पासे संबंधित वार्षिक परीक्षा में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको फ्री के 3 नंबर दिला के जाएगा, एक बार समझ लो इसको, ठीक है। और ये मैं लिख रहा हूं ना, तो ये आपको भी लिख कर आना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन आएगा, दो पासे हुए एक साथ फेंका जाता है, उसके अंकों का योग इतना आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो आपको ये छापना पड़ेगा भाई साहब। तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6, इसके बाद में 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6, बस इतना ही आ सकता है, 6, 7 नहीं आ सकता, 7, 1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि पासे में 6 तक ही तो नंबर होता है। आप सांप सीढ़ी वाले पासे को देखो, लुड्ढे वाले पासे को देख लो, 6 ही अंक होते हैं वहां, 7 तो होता ही नहीं। अब ये आप छाप दोगे, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि दो पासे को एक साथ फेंका गया है, या एक पासे को दो बार फेंका गया है, एक ही बात है, दो पासे को एक साथ फेंका गया है तो उनके अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, समझ गए। तो अंकों के योग 7, देखो इसमें आ रहा है, 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 और कहीं 7 नहीं आ रहा। अंकों के योग देख लो, चाहे 6 और 1, 7, 5 और 2, 7, 4 और 3, 7, 3 और 4, 7, 2 और 5, 7, 1 और 6, 7, और 7 नहीं आ रहा, नहीं देखो 8 आ गए, 9 आ गए, तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता सवाल में पूछा गया है। क्या जवाब दोगे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अनुकूल परिणाम हो गए 6, कुल परिणाम हो जाएंगे 36, 6 बटे में 36, 6 × 6, 6 × 6, 36, 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब एग्जाम पेपर में कैसे आया, वीडियो के एग्जाम में कैसे सवाल आया, अंकों का योग 7 या अंकों का योग 7 या 11 होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये सवाल आया आपका वीडियो। तो अंकों का योग 7 तो ये रहा, और देखो 11 कैसे कैसे बन सकते हैं, ये बन सकते हैं 11, 5 और 6, 11, 6 और 5, 11, और देख लो 11 नहीं बन सकते, तो अंकों के योग 7 या 11, तो देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 × 36, 4 × 8, 4 × 9, 36, 2 × 9 आंसर आ जाएगा, ये आपका एग्जाम में आया होगा सवाल, ठीक है बच्चों। अब कोई भी सवाल बना तो साहब ऐसा क्या कि ये सवाल बना सकते हैं क्या, कोई भी सवाल बनाया जा सकता है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन और कैसे वैसे बन सकते हैं, सवाल देखो आपके पास रखा है, प्रश्न को ध्यान से सुनना, दो पासे को एक बार फेंका गया है, उनके अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, 4 देखो, ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और कहीं 4 बन नहीं सकता है, देख लो बनाकर,
तो एक दो और तीन, तीन बटे में 36 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तीन बटे में 36, तीन एकम तीन, 12 3 36, एक बटे में 12 आपका आंसर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये फ्री के नंबर है, पर ये कॉन्सेप्टली है, तीन नंबर का आएगा डेफिनेटली आएगा, बता देता हूँ मैं आपको। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सुनो ध्यान से, दो पासे को साहब एक बार फेंका जाता है। तुम्हारे सिलेबस के सवाल हैं, जाकर उठा के देख लेना, चाहे तुम्हारे सिलेबस में ही है, एनसीईआरटी में ही है ना। 25वां सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से देख रहा आपका जो है, दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो उनके अंकों का अंक है, दो पासे को एक साथ उछालने पर अंक एक बार भी 5 नहीं आएगा कि प्राइज तक याद करो। मतलब ये कि 5 अंक नहीं आएगा कि प्राइज तक याद करो, तो इसको हटा दो भाई साहब और इस वाले को हटा दो, इसमें ही तो है 5, और तो कहीं 5 दिख नहीं रहा। योग मैंने बोला नहीं है, सुनो क्या बोले हैं, दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो उनके अंक 5 नहीं आने की प्रायिकता याद करो। मतलब 5 नंबर नहीं आना चाहिए आपका, 5 है वो नहीं आना चाहिए, तो 5 वाले को काट दिया, इस 5 वाले को काट दिया, बाकी अकाउंट करो कितना है 25, 25 बटे 36 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि दो पासों के एक साथ उछालने पर अंक 5 जरूर आएगा कि प्रायिकता ज्ञात करो। 5 आना ही आना चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 5 आना ही आना चाहिए कि ये 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, देख लो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, इसको एक ही बार काउंट करना, 6 7 8 9 10 11, 11 बटे में 36 क्या आंसर आ जाएगा, 11 बटे में 36। समझ गए ना? समझ गए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है? दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, उनके अंकों का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या लेने की प्रायिकता ज्ञात करो। सुनना ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूं। दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो उनके अंकों का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो बच्चों, ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक तो ये हो गया, और एक भाई साहब 9 है, इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 9 है, तो 9 इसी से मान सकता है, और उसके बाद 16 है पूर्ण वर्ग संख्या, 16 तो आ नहीं सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बटे में 36 कितना आंसर आ जाएगा, 7 बटे में 36। समझ गए ना? इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हो आसानी से, इजी वे में आप आराम से बना सकते हो। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस दो पासे से संबंधित बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, उनकी अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 13 बच्चों, तो 13 तो आ ही नहीं सकता, देख लो चाहे तो, 6 और 6 12 12 की बात, 13 नहीं आ सकता, तो जो नहीं आ सकता उसकी प्रायिकता में से कितनी होती है, 0 होती है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, असंभव। जब आ ही नहीं सकता तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी बच्चों, असंभव घटना कहलाएगी, ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता संभव नहीं हो, जो घटित ही नहीं हो सकती हो, उस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, असंभव घटना कहते हैं। समझ गए ना? तो ये संभव ही नहीं है, मेरा आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रायिकता हो गई कितनी, 0। और ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता बच्चों कितनी होती है, 1 होती है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। समझ गए बच्चों? अब आपको मैं इसके अलावा एक दो पासे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया आपको, और ये सवाल आएगा ही आएगा ये भी मैंने बताया। अब मैं थोड़ा सा एक पासे संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका। अगर मान लो दो पासे नहीं हो, मैं मान लेता हूं अगर एक पासा है मेरे पास, एक पासे को एक बार ही फेंका जाता है, कितनी बार, एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो किसकी प्रायिकता पूछा भाई, तो एक विषम अंक आने की प्रायिकता याद करो, विषम अंक आने की, सम की भी पूछ सकता है क्या, बिल्कुल पूछ सकता है। देखो विषम अंक आने की प्रायिकता पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पास से उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं बच्चों, 6 ही तो आएंगे कुल परिणाम, 6 के अलावा तो नहीं आ सकते हैं कुछ, 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा आए तो बता दो मुझे, बिल्कुल नहीं आ सकते है ना इसके अलावा। तो आप देखो, एक विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा है, तो विषम अंक भाई साहब आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो देख लो इधर,
ये विषम अंक होता है, एक तीन और पांच जिसमें दो का भाग नहीं जाता है उसे विषम अंक कहते हैं। तो विषम अंक आने की प्रायिकता पूछा है, तो एक दो तीन तो अनुकूल परिणाम हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए, छह, तीन बटे छह यानी कि एक बटे दो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना क्लियरली? अच्छा बच्चों, उसके बाद समंकारी प्रायिकता पूछता तो बिल्कुल बताऊंगा, एक दो तीन, तीन बटे में छह वही एक बटे में दो आता, समझ गए। ऐसी संख्या की प्रायिकता याद करो जो पांच से छोटी आए। सवाल सुनो ध्यान से, एक पास से को एक बार फेंका जाता है तो ऐसे अंकों की प्रायिकता याद करो जो पांच से छोटा हो, पांच से छोटा हो, पांच से छोटा चार, एक दो तीन चार, चार बटे छह दो बटे तीन काटोगे चार बटे छह भी रहने तो चाहे, समझ गए ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब एक से लेकर के छह अंक, वैसे तो अंकों की सभी की जानकारी होनी चाहिए लेकिन मूलतः एक से अंक छह तक की प्रायिकता आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये पता नहीं तुम्हें कि इनमें से अभाज्य संख्या, सुनो जी ध्यान से सुनो इस प्रश्न को भी, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सुनना ध्यान से, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक भाज्य अंक आने की प्रायिकता याद करो, एक भाज्य अंक प्राप्त होने की प्रायिकता याद करो। अब देख लो आप, एक पास से एक बार फेंका जाता है तो एक भाज्य अंक प्राप्त होने की प्रायिकता याद करो। तो भाई साहब भाज्य अंक कौन कौन से, एक भाज्य है क्या, बिल्कुल नहीं, एक तो भाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं, दो भाज्य है क्या, बिल्कुल नहीं है, दो में दो का ही भाग जा रहा है बस, तीन बिल्कुल भी भाज्य नहीं है, पांच भी भाज्य नहीं है, चार और छह भाज्य है बस खाली, दो बटे में छह अनुकूल परिणाम दो और कुल परिणाम छह, दो बटे में छह का मतलब एक बटे में तीन, एक बटे में तीन आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए बच्चों। इस प्रकार से आपका एक पासा और दो पासे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे मुझे उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ते रहें, कमेंट कर सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको। अच्छा बच्चों, इसके बाद अपन करवाने जा रहे हैं दो पासे से संबंधित सारे क्वेश्चन हल कर दोगे मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको सिक्के से संबंधित क्वेश्चन जो प्रायिकता के बनते हैं उसको भी हल कराने जा रहा हूँ, जो सिक्के से संबंधित है। भाई देखो, एक सिक्के को एक बार उछाड़ोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही परिणाम आएंगे ना, एक सिक्के को उछाड़ोगे हेड या टेल, हेड आने की प्रायिकता लो साहब एक बटे दो, टेल आने की प्रायिकता ये भी लो साहब एक बटे दो, हेड भी आ सकता है वो टेल भी आ सकता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब अगर मान लो दो सिक्के को एक साथ उछाल दिया, कितने सिक्के को, दो सिक्के को साहब एक साथ उछाल दिया तो कुल परिणाम कितना आएगा, दो की पावर दो चार आ जाएगा, कुल परिणाम कितने आ जाएगा चार, चार क्या आएगा, दोनों हेड आ सकते हैं दोनों टेल भी आ सकते हैं, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल ऐसे आ सकते हैं। देखो शुरू की दोनों हेड आ से दो ही है, दो पासे को एक साथ सॉरी दो सिक्के को एक साथ उछाला दोनों हेड आ गई बढ़िया है भाई, दोनों को उछाला दोनों टेल आ गई ये भी बढ़िया है, दोनों को उछाला पहला वाला हेड आया टेल आया दूसरा वाला हेड आया, इसमें पहला वाला हेड आया दूसरा वाला टेल आया, समझ रहे हो ना, कुल परिणाम कितने हो गए चार हो गए। सवाल कैसे बनेगा, दोनों हेड आने की प्रायिकता बताओ भाई साहब, तो दोनों हेड एक ही बार आ सकता है, एक हो गया अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम कितना हो गया चार हो गया, तो आपका एक बटे चार आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। अच्छा बच्चों, इसके बाद में तीन सिक्के, कितने तीन सिक्के, तीन सिक्के के साथ उछाला जाता है तो दो की पावर तीन, तो कुल परिणाम कितने आएंगे बच्चों आठ आएंगे, ये याद रख लो, तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम आठ आते हैं, ये आप याद रख लो कौन कौन से इंपोर्टेंट है बच्चों। देखो तीनों हेड आ सकते हैं बिल्कुल जी आ सकते हैं, तीनों टेल आ सकते हैं जी बिल्कुल आ सकते हैं, तीनों तो टेल तो आ गए, तीनों हेड आ गए दो टेल आ गए फिर हेड आ गए, पहला हेड आया दोनों फिर टेल आए, इसके अलावा टेल हेड टेल ऐसे भी संभव है बच्चों, इसके अलावा दो तो हेड आ गए शुरू के फिर टेल आया, हेड आया और दोनों बार टेल आया और इसके बाद में हेड टेल और हेड, अब आप काउंट कर सकते हो आठ परिणाम होंगे, कितने परिणाम होंगे आठ,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि तीन सिक्के भी एक साथ उछाला जाता है तो अगर तीनों सिक्के हेड आ जाते हैं या तीनों टेल आ जाते हैं तो बच्चा खेल जीत जाता है, बच्चे की खेल हारने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो भाई देखो, ये देखो तीनों हेड आ गए तो जीत गया बच्चा, तीनों टेल आ गए तो भी जीत गया बच्चा, लेकिन बच्चे को हारने की प्रायिकता पूछा है तो इस सब में हार रहा है ना बच्चा। तो एक दो तीन चार पांच छह, छह बटे में आठ, आठ क्यों आया क्योंकि टोटल परिणाम कितने हैं, आठ है, समझ गए बच्चों। तो दो तीन छह, दो चौका आठ, तीन बटे में चार, अगर बच्चे की जीतने की प्रायिकता पूछ लेता है तो एक और दो, दो बटे में आठ, दो बटे में आठ का मतलब एक बटे में चार, ये एक बटे में चार आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपका सिक्के का टॉपिक क्लियर हो चुका है, पासे का टॉपिक, दोनों तीनों टाइप थे, सारे के सारे टाइप्स में क्लियर कराते जा रहा हूँ। इसके बाद में एक टास्क का और आपको मैं कराने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर अगर नए हो तो।